हेरा फेरी सीरीज वो ऐसी फिल्म है जिस फिल्म के साथ कई लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। फिल्म में तीन कलाकारों की भूमिका को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जहां पर अभिनेता अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने अपनी बेहतरीन अदायगी का नमूना पेश किया था। और यही बड़ी वजह है कि फिल्म के पहले और दूसरे भाग को देखने के बाद अब फिल्म के तीसरे भाग का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और हेरा फेरी थ्री इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। बीते कई महीनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री नहीं होगी और अक्षय की जगह कोई और कलाकार लेने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हेरा फेरी थ्री में अक्षय कुमार की वापसी होना लाजमी है। वायु के पिंक बिला की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि शनिवार यानी 11 फरवरी को मुंबई के एम्पायर स्टूडियो में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और फिरोज नाडियाडवाला की काफी लंबी मीटिंग हुई है। सालों बाद यह पहला ऐसा मौका आया है जब फिल्म की ओरिजिनल टीम एक ही छत के नीचे आई थी। यहाँ तक कि उन सबको साथ देखकर एम्पायर स्टूडियो का पूरा स्टाफ एक और इमोशनल हो गया, तो ये दूसरी ओर उनका एक्साइटमेंट भी बढ़ गया। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि हेरा फेरी के पहले भाग की जर्नी 1999 में एम्पायर स्टूडियो से शुरू हुई थी। 24 साल बाद हेरा फेरी 3 के लिए एक्टर्स और प्रोड्यूसर की पहली आधिकारिक मीटिंग एम्पायर स्टूडियो में हुई है। बातचीत का सबसे अहम हिस्सा फ्रेंचाइजी के लिए उसी जगह पर वापस आने के बारे में था जहां इन सब की शुरुआत हुई थी। सब कुछ साथ आ रहा है और उम्मीद है कि जल्दी स्टेक होल्डर्स में से कोई इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही अगर हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी की पहली इंस्टॉलमेंट साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का दूसरा भाग हेरा फेरी 3 करीब 6 सालों के बाद आता है, जिसका डायरेक्शन नीरज वोरा ने किया था। दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही और राजू श्याम और बाबूराव गणपत राव की तिकड़ी ने दर्शकों का खूब दिल भी जीता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेरा फेरी 3 इसी साल अक्टूबर तक फ्लोर पर आ सकती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म के तीनों ओरिजिनल किरदार साथ आते या फिर नहीं।